ज्ञानवापी मामले पर आज जिला जज की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और कोर्ट आज दोपहर 2 बजे इस मामले पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट की तरफ से बताया जाएगा कि ये मामले आगे सुनवाई योग्य हैं या फिर नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर वाराणसी की जिला कोर्ट में 45 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट मंगलवार को दोपहर 2 बजे इस पर अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो। आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई उसकी सीडी और फोटोग्राफ हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वादी पक्ष की तरफ से कोर्ट से मांग की गई थी कि सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले, फिर आगे किसी तरह की सुनवाई करे। वहीं मुस्लिम पक्ष मुकदमे की ज्यादा जरूरी चीजों पर सुनवाई करवाना चाहता था, जिस पर कोर्ट ने कल की तारीख तय कर दी है। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में ये तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाद की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट को ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा है दाखिल किया है उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। और सीधी सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे की सुनवाई की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, यानी कोर्ट ये तय करेगा कि आगे की सुनवाई सिर्फ सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 पर ही सीमित रहे या फिर कमीशन की रिपोर्ट और सीपीसी की 7-11 पर साथ साथ सुनवाई हो। आइए आप लोगों को भी समझा देते हैं कि आखिर जिस 7-11 का जिक्र लगातार हो रहा है वो है क्या। ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत किसी भी धार्मिक स्थल पर दावे को सीधे कोर्ट में नहीं ले जा सकते, यानी किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति को बदलने की अर्जी सीधे अदालत में नहीं दी जा सकती। साफ तौर पर ऐसी अर्जी सुनवाई के लायक ही नहीं होगी, लेकिन ये कानून और सीपीसी का नियम किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति की पहचान के लिए कोई जाँच, कमीशन का गठन या सर्वेक्षण कराने से नहीं रोकता। अगर किसी कमीशन का सर्वेक्षण रिपोर्ट विवादित धार्मिक स्थल को लेकर दावेदार पक्ष के दावे सही कह दे और अदालत ने उसे मान लिया तो अदालत उसे आगे भी सुनेगी। अब इस मामले पर फैसला मंगलवार को कोर्ट सुनाएगा, जिसके बाद ये तय होगा कि कोर्ट आदेश 7 और नियम 11 के तहत सुनवाई करेगा या नहीं। टीम न्यूज़ स्टेट।